बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के बिगिनर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएसएन सेकंड सेमेस्टर केएमयू के पास पेपर। हमने पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर बीएसएन का अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। लेकिन आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2017 केएमयू का पास पेपर पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, हम सिर्फ आंसर की को क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि हम एमसीक्यूज़ को समझेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, और रिलेटेड एमसीक्यूज़ क्या आ सकते हैं इसके साथ हम ये भी साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्स एंड एट विच लेवल। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कौन से ऑर्गन पर ख़त्म होता है, एंड होता है? ऑप्शन ए पैरिंग्स पर, ऑप्शन बी लैरिंग्स पर, ऑप्शन सी ट्रेकिया पर, ऑप्शन डी ब्रोंकाई पर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आता है? ऑप्शन बी लैरिंग्स पर, क्योंकि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास नोज आता है, नजल कैविटी, पेरेंग्स, ओरोपेरेंग्स, उसके बाद लैरिंग्स आता है, और लैरिंग्स से फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अपर रिस्पायरेटरी कहाँ पर? इंडोर लैरिंग्स पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैरिंजियल कार्टिलेज इफेक्ट द पोजिशन एंड टेंशन ऑफ द वोकल कार्ड। हमारे पास कौन सा कार्टिलेज पोजिशनिंग एंड टेंशन ऑफ द वोकल कार्ड को इफेक्ट करती है? ऑप्शन ए एपिग्लॉटस, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एरेटिनॉइड, ऑप्शन डी क्रैकोइड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है एरेटिनॉइड। ये वो कार्टिलेज है जो हमारे वोकल कार्ड की पोजीशनिंग और टेंशन को इफेक्ट करती है, और हमारे पास जो डी ऑप्शन है क्रैकोइड, ये वो कार्टिलेज है जो हमारे पास ट्रिके और वाइंड पाइप में होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओपन पार्ट ऑफ द सी शेप ट्रिकिया कार्टिलेज बेसिकली एड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास जो सी शेप कार्टिलेज है वो इनकम्प्लीट होते हैं और ट्रिकियर कार्टिलेज में होते हैं। तो हमारे पास ये कौन किस चीज़ में मदद देते हैं? ऑप्शन ए इनहेलेशन में, ऑप्शन बी एक्सहेलेशन में, ऑप्शन सी स्वॉलिंग में, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है, स्वॉलिंग प्रोसेस में हेल्प देती है ओपन सी शेप कार्टिलेज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द ट्रिकियर डिवाइडेड इंटू ब्रोंकाई एट विच लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टेब्राए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास 12 थोरेसिक वर्टेब्राए होते हैं, और ट्रिकिया डिवाइड होता है कौन से थोरेसिक वर्टेब्राए पर? ऑप्शन ए फोर्थ पर, ऑप्शन बी फिफ्थ पर, ऑप्शन सी सिक्स पर, ऑप्शन डी सेवन पर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है बी फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्राए पर हमारे ट्रिकिया डिवाइड होती है इनटू राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेंसिटिव एरिया एसोसिएटेड विद ट्रिगर अ कफ रिफ्लेक्स इज। वो कौन सा सेंसिटिव एरिया है जो कफिंग रिफ्लेक्स को स्टार्ट कर देते हैं या कपिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करती है? ऑप्शन ए राइट ब्रोंकस, ऑप्शन बी लेफ्ट ब्रोंकस, ऑप्शन सी लैरिंग्स, ऑप्शन डी कैरिना। यहाँ पर हमारे पास सारे पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होता है कपिंग रिफ्लेक्स में और ट्रिगरिंग यानी कि हेल्प देता है कपिंग में, लेकिन हमारे पास जो सी है लैरिंग्स जो है मेनली कपिंग रिफ्लेक्स में क्या करता है, हेल्प देता है या कपिंग को इनिशिएट करता है जब कोई भी पार्टिकल एंटर होते हैं हमारे एयरवे में। तो सी लैरिंग्स हमारे पास सेंसिटिव एरिया है कपिंग रिफ्लेक्स के लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट हाउ मेनी कार्टिलेजेस। जैसे कि आप जानते हैं, लैरिंग्स कार्टिलेज से बना होता है, तो कितने कार्टिलेज होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो कितने कार्टिलेज होते हैं? ऑप्शन सी 9 कार्टिलेज, और इन नाइन कार्टिलेजेस में 3 लार्ज पेयर कार्टिलेज होते हैं और 3 स्मॉल अनपेयर कार्टिलेज होते हैं, यानी कि 3 पेयर 6 हो गए और 3 अनपेयर 3 हो गए, तो 3 और 6 9 कार्टिलेज हमारे पास हो गए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द हाइलम ऑफ द लंग्स इज लोकेटेड ऑन विच पल्मोनरी सरफेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाइलम जो है हमारे लंग्स में हो एक डिप्रेशन एरिया होता है जब पर वेसल्स और नर्व एंटर होते हैं इनटू द लंग्स। तो कौन सी जगह है? ऑप्शन ए कोस्टल, ऑप्शन बी मेडियास्टिनल, ऑप्शन सी एपिकल, ऑप्शन डी बेसल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन बी मेडियास्टिनल, क्योंकि हाइलम जो है लंग्स के सेंटर में होता है तकरीबन, तो मेडियास्टिनम भी लंग्स के सेंटर एरिया को ही कहा जाता है, वो कैविटी जहां पर सेंटर में लंग्स लोकेटेड होते हैं। तो मेडियास्टिनम वो सेंटर होता है जहां पर हाइलम होता है ऑन लंग्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू विच सेल ऑफ द लंग्स। हमारे पास लंग्स में कौन से सेल गैसेस एक्सचेंज होती है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, एल्वोलाई हमारे लंग्स में होते हैं, और एल्वोलाई में स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कि या तो टाइप 1 होंगे या टाइप 2। तो कौन से टाइप है? टाइप 1 होते हैं जो मेनली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प देते हैं, और टाइप 2 वो सेल होते हैं एल्वोलाई में जो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट पार्टिकल और एंटीजन।
क्वेश्चन पर हमारे पास राइट ऑप्शन है टाइप वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्पिरेटरी मसल एक्सेप्ट। हमारे पास सारे इंस्पिरेटरी मसल है यानी कि इंस्पिरेशन में मदद देती है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी स्केलेन, ऑप्शन सी इंटरनल इंटरकोस्टल, ऑप्शन डी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हमारे पास एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। तो हमारे पास रहना राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिस्टल एंड ऑफ द ब्रोंकियल ट्री इज टर्म इज। हमारे पास ब्रोंकियल ट्री के डिस्टल एंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन बी प्राइमरी ब्रोंकाई, ऑप्शन सी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी टर्शियरी ब्रोंकाई। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है टर्मिनल ब्रोंकाइज, क्योंकि हमारे पास ब्रोंकियल ट्रीज जो होते हैं, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं और एल्वोलाई में एंटर होते हैं, तो हमारे पास उनको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द टर्म मस्कुलरी एस्केलेटर इन द ब्रोंकियल ट्री इज रेफर इज। हमारे पास जो मस्कुलर एस्केलेटर है ब्रोंकियल ट्री है हमारे एल्वोलाई में, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए ट्रेकियल कार्टिलेजेस, ऑप्शन बी ब्रोंकियल कार्टिलेजेस, ऑप्शन सी सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, ऑप्शन डी एल्वोलर सैक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मस्कुलर एस्केलेटर जो है वो मसल्स होते हैं जहाँ पर सीलिया होती है, तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, यानी कि वहाँ पर सीलिया होते हैं जो पार्टी को अंदर से बाहर निकालने में मदद देती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, द अमाउंट ऑफ द एयर नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल विद वन ब्रीथ इज टर्म इज। वो अमाउंट जो नॉर्मली हम ब्रीथिंग में एंटर करते हैं और आउट करते हैं, तो वो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेसिडुअल वैल्यू, नहीं, क्योंकि ये तो वो वॉल्यूम है जो बाय बर्थ हमें मिलती है हमारे लंग्स में, हमेशा तो ये होता है ये वॉल्यूम, और ये कितना होता है? तकरीबन हमारे पास 1.5 लीटर है, तो ये हमारे पास बाय बर्थ होती है। ऑप्शन बी इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी नहीं है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल ब्रीथिंग में हम इन और आउट करते हैं, और ये कितना है हमारे पास? हाफ लीटर और 500 मिलीलीटर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर एक्सपायर आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन एफर्ट इज रेफर इज। जब हम फोर्सफुली एयर को अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, यानी कि जितनी भी हमारे इंस्पिरेशन में हम अंदर लेके जा सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन बी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन सी वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन डी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। हमारे पास ऑप्शन सी आता है वाइटल कैपेसिटी। ये वो कैपेसिटी है जो हम बाय फोर्सफुली अंदर जितना भी ले सकते हैं अंदर ले ले और फिर फोर्सफुली बाहर निकाल ले, और हमारे पास जो वाइटल कैपेसिटी है वो तकरीबन 3-4 लीटर है। ये भी अपने साथ लिख लें, इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, द टोटल लंग कैपेसिटी इन द मिलीलीटर। हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी मिलीलीटर में कितनी होती है? ऑप्शन ए 3000 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 4000 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 5000 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 6000 मिलीलीटर। तो बताइए, हमारे पास ऑप्शन डी आता है 6000 मिलीलीटर। 6 लीटर मैक्सिमम लंग कैपेसिटी हमारे एयर को अंदर स्टोर करने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पर्सन ऑफ द रीनल फिल्ट्रेट इज कंट्रीब्यूटेड टू फॉर्म यूरिन। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे रीनल फिल्ट्रेशन में 125 यानी कि 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेशन होती है, और इस 125 मिलीलीटर में से 124 मिलीलीटर वापस रिऑब्जर्व होती है बॉडी की, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ओनली 1 मिलीलीटर पर मिनट हमारे बॉडी में यूरिन के जरिए बाहर निकलती है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि कितने परसेंटेज होगी। हमारे पास ऑप्शन ए आता है 1%, क्योंकि ओनली 1 मिलीलीटर यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर निकलती है रीनल फिल्ट्रेट से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एडल्ट्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन मिलीलीटर पर मिनट। हमारे पास एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है मिलीलीटर पर मिनट? ऑप्शन ए 25 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 125 मिलीलीटर। हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए 25, क्योंकि 20-25 मिलीलीटर पर मिनट ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन होती है किसी भी एडल्ट में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, नेट फिल्ट्रेशन यानी कि टोटल फिल्ट्रेशन प्रेशर इन MMHG व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन किडनी इज अबाउट। हमारे पास कितना प्रेशर रिक्वायर होता है जो रिस्पांसिबल होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए? हमारे पास ऑप्शन ए है 10 MMHG प्रेशर, ऑप्शन बी है 20 MMHG प्रेशर, ऑप्शन सी है 30 MMHG प्रेशर,
ऑप्शन डी है 40 mm जिप प्रेशर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है 17 में आता है 10 mm जिप प्रेशर रिक्वायर होती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमारी किडनी में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर कंस्टिट्यूट द ब्लड क्लोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा कितना हमारा ब्लड क्लोइड प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्लड क्लोइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है और ये सेमी परमेबल में जो भी न्यूट्रन जो प्रिवेंटेबल हो उनको अपोजिशन करती है, यानी कि ये एक खास प्रेशर है। और ये कितना होता है हमारे पास, ऑप्शन ए 10 mmHg, ऑप्शन बी 30 mmHg, 25 mmHg, ऑप्शन सी 30 mmHg, ऑप्शन डी 55 mmHg। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज 30 mmHg, यानी कि ऑप्शन सी, क्योंकि क्लोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड के होते हैं वो 30 mmHg प्रेशर होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, कैल्सिट्यूनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कैल्सिट्यूनिन वो हार्मोन है जो पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ये कैल्शियम के रेगुलेशन करती है हमारे ब्लड में। जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो ये क्या करती है, बोन पर डिपॉजिट करती है, और जब हमारे बॉडी में कम होता है कैल्शियम हमारे ब्लड में तो फिर इसके ऑपोजिट पैराथ हार्मोन सीक्रेट होता है, वो भी पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है और वो बोन से कैल्शियम को ब्लड में ले आती है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन ए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, कलेक्टिंग ड्रग्स ड्रेन यूरिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जब कलेक्टिंग ड्रग में यूरिन आता है हमारा लास्ट पार्ट है ऑफ द नेफ्रॉन, तो फिर कलेक्टिंग ड्रग से कहाँ जाता है यूरिन। ऑप्शन ए माइनर कैलेक्स में, ऑप्शन बी पेपिलरी ड्रग्स में, ऑप्शन सी रीनल पेल्विस में, ऑप्शन डी कलेक्टिव ड्रग्स में। तो हमारे पास जब कलेक्टिंग ड्रग्स यूरिन आता है तो किस में आता है, रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस में फिर माइनर और मेजर कैलेक्स में, और उसके बाद यूरेटर के जरिए ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेट्रा के जरिए बाहर निकलते हैं यूरिन की शक्ल में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज रीनल पेल्विस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीनल पैरेन्काइमा। रीनल का मतलब है किडनी, पैरेन्काइमा का मतलब है वो सेल टिश्यू जो किसी भी फंक्शन के लिए रिक्वायर होती है वो सेल। तो हमारे पास वो कौन से रीनल पैरेन्काइमा है, ऑप्शन ए एफरेंट आर्टियोल, ऑप्शन बी एफरेंट आर्टियोल, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी कलेक्टिंग ड्रग। हमारे पास रीनल पैरेन्काइमा जो है वो है नेफ्रॉन, जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है ऑफ द किडनी, ऑप्शन सी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, द वॉल्स ऑफ द एफरेंट एंड एफरेंट आर्टियोल्स कंटेन। हमारे पास एफरेंट और एफरेंट आर्टियोल्स के वाल में कौन से सेल होते हैं, ऑप्शन ए जस्ट अ ग्लोमेरुलर सेल, ऑप्शन बी न्यूक्लियोनल डेंसा, ऑप्शन सी प्रिंसिपल सेल, ऑप्शन डी इंटरकेलेटेड सेल। हमारे पास राइट ऑप्शन जो है हमारे पास जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, ये वो सेल होते हैं जो रिनिन को रिलीज करते हैं और रिनिन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को हमारे बॉडी में रेगुलेट करती है। ऑप्शन सी हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए जस्टा ग्लोमेरुलस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिनल सेल आर रिस्पॉन्सिबल टू एंटीडायरेटिक हार्मोन। कौन से सेल है एंटीडायरेटिक हार्मोन यानी ADH को रिस्पॉन्स करती है। हमारे पास ADH वो हार्मोन है, जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये हमारे बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं किडनी से। तो इस तरह की यूरिन बॉडी से हमारे बॉडी से कम निकलना शुरू होती है तो हमारे बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्व रहती है, बैलेंस रहती है। तो ये तो हो गया ADH का फंक्शन। तो हमारे पास कौन से सेल है ADH के लिए जो रिस्पॉन्स है, ऑप्शन ए इंटरकैलेटेड सेल, ऑप्शन बी जस्ट अ ग्लोमेरुलर सेल, ऑप्शन सी प्रिंसिपल सेल, ऑप्शन डी मेजेंगियल सेल। हमारे पास है मेजेंगियल सेल वो सेल होते हैं जो एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं ADH हार्मोन को, ऑप्शन डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जस्टा ग्लोमेरुलर सेल वो सेल होते हैं जो रेनिन को रिलीज करते हैं और वो BP को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है, ऑप्शन ए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, द एवरेज कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमन बीइंग। हम लोग जानते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है हमारी बॉडी में और इसकी कितनी कैपेसिटी है, ऑप्शन ए 400 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 800 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 1200 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 1600 मिलीलीटर। राइट ऑप्शन इज ए 400 मिलीलीटर एवरेज कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लैडर की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, द पर्पस ऑफ द रग एंड द यूरिनरी ब्लैडर इज टू। जैसे कि हम जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास रग होते हैं, RUGAE रग,
और ये हमारे कौन से फंक्शन करते हैं ब्लैडर में? ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द ब्लैडर, ऑप्शन बी अलाउ एक्सपेंशन, ऑप्शन सी चर्न्स द यूरिन, ऑप्शन डी डिस्चार्ज द स्टोन फॉर्मेशन। तो राइट ऑप्शन इज अलाउ एक्सपेंशन। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को क्या करती है? हेल्प करती है एक्सपेंशन में, कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन को स्टोर कर सके। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, किडनीज आर लोकेटेड इन बिटवीन, किडनी कौन से वर्टेब्राए के दरमियान लोकेटेड होती है? ऑप्शन ए 9-12 थोरेसिक वर्टेब्राए, ऑप्शन बी 1-4 नंबर वर्टेब्राए, ऑप्शन बी 12 थोरेसिक एंड 13 वर्टेब्राए, ऑप्शन डी 3-4 सेक्रल वर्टेब्राए। तो राइट ऑप्शन 12 थोरेसिक एंड 3rd नंबर वर्टेब्राए, यानी कि T12 एंड L3 वर्टेब्राए के दरमियान हमारी किडनी लोकेट होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑल ऑफ देम आर प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरॉन एक्सेप्ट, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे प्रॉपर्टी न्यूरॉन के है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्रेशन, ऑप्शन बी एम्पिटोटिक, ऑप्शन सी स्लो मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। द राइट ऑप्शन इज स्लो मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के साथ न्यूरॉन की कोई फंक्शन नहीं है, बाकी सिक्रेशन कंडक्टिविटी इनके फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सी स्लो मेटाबॉलिक रेट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, अ सिंगल न्यूरॉन फाइबर इन नर्व बंडल इज सराउंडेड बाय, जैसे कि आप लोग जानते हैं सिंगल नर्व फाइबर न्यूरॉन बंडल में होते हैं, और इस न्यूरॉन फाइबर के इर्द गिर्द क्या होता है, कौन सा मेम्ब्रेन? ऑप्शन ए एंडोनेरियम, ऑप्शन बी एपिनेरियम, ऑप्शन सी पेरिनेरियम, ऑप्शन डी नोन ऑफ द अबव। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो आता है वो है ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन एपिनेरियम, राइट ऑप्शन इज बी। और एंडोनेरियम जो होता है वो हमारे माइलिन शीट के इर्द गिर्द होता है, और ईच बंडल ऑफ द नर्व फाइबर जो होते हैं वो इसके इर्द गिर्द पेरिनेरियम, लास्ट जो मेम्ब्रेन है पेरिनेरियम, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास सी है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल नर्व फाइबर जो के इर्द गिर्द कौन सा मेम्ब्रेन होता है, एपिनेरियम। तो राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर व्हिच सेल आर इन्वॉल्व, हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन से सेल होते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोसाइट, ऑप्शन बी ओलिगोडेंड्रोसाइट, ऑप्शन सी माइक्रोग्लिया सेल, ऑप्शन डी एंडो एपिडाइमन सेल। तो राइट ऑप्शन इज एस्ट्रोसाइट सेल, वो सेल होते हैं जो स्टार सेल होते हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द सेल फॉर्म माइलिन शीट इन द सीएनएस, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से सेल माइलिन शीट को बनाते हैं? हमारे पास स्पेसिफिक सेल होते हैं, कौन से सेल है? ऑप्शन ए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑप्शन बी श्वान सेल, ऑप्शन सी एपिडाइमन सेल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान सेल बोथ आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीट इन द सीएनएस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, Which cell are responsible for the secretion of the CSF in the brain? CSF जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी वर्टेब्रल कॉलम में होते हैं और ब्रेन में होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो उनको कौन से क्वेश्चन करते हैं? हमारे पास ऑप्शन ए ओलिगोडेंड्रोसाइट, ऑप्शन बी माइक्रोग्लियल सेल, ऑप्शन सी एपिडाइमल सेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज हमारे पास सी, ऑप्शन सी एपिडाइमल सेल, ये वो सेल होते हैं जो CSF को ब्रेन से रिलीज करते हैं, और CSF कहाँ पर होते हैं? कोरोइड प्लेक्सेस में, और कोरोइड प्लेक्सेस कहाँ पे होते हैं? ब्रेन वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल जो हानि होते हैं, और ये हमारे पास 500 मिलीलीटर पर डे रिलीज होते हैं CSF, तो आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए। तो ये थे हमारे पास 32 MCQs, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 70 तक पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे वो भी आप देख लें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पास पेपर, कम्युनिटी 2017 का पास पेपर हमने अपलोड किया है, और आज हम 32 के यहाँ पर हमने पढ़ा, और इससे आगे हम 70 तक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस फैमिली बनकर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।